सिनेमा का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आपने कुछ भी अच्छा काम कर लिया तो 10 साल बाद 15 साल बाद भी कोई मिलता तो बोलता अरे मैंने तेरे को उस फिल्म में देखा था, तू उसमें कितना यंग लग रहा था या उसमें कितना पतला था या उसमें बाल थे। मैं कभी भी बचपन में उतना गुड लुकिंग कभी भी नहीं रहा, मैं एक मोटा सा बच्चा था और कभी भी ऐसा हीरो टाइप वाली इमेज भी कभी नहीं थी। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com, मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको अपना पेशा बना पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कंटिन्यू इस पर चलते जाते हैं। ऐसे एक कलाकार मेरे साथ हैं, एक्टर जो सालों साल से काम कर रहे हैं, बहुत सारे शोज में दिखाए, वो फिल्मों में देखा है आपने, राजीव कुमार जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म। आज हम लोग हैं लाल इश्क के सेट पर जी। इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप? इसमें एक अंगड़िया का किरदार है जो यूजली महंगा सामान एक शहर से दूसरी शहर में लेकर जाता है, जैसे कैश हो या हीरे जवाहरात हो, महंगा सामान। और इसमें चूंकि ये लाल इश्क का एपिसोड है और इसमें थोड़ा सा हम सुपर नेचुरल पावर्स को दिखाते हैं, तो उसके चलते हम लोग एक सीनियर भूत है जो मुझसे आत्माएं यहाँ से वहाँ डिलीवर करवाता है। ओके ओके, तो आत्माओं के डिलीवर पर्सन है ये, क्या सब की बात है। ओके, ये बड़ा अच्छा रहता है एक एक्टर के तौर पे कि हम वो किरदार भी निभा पाते हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं थे, खुद भी नहीं सोचे थे। हाँ बिल्कुल, मैं तो मेरा तो यही मानना है कि एक एक्टर की ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसी बात में है कि उसको एक ही जीवन के अंदर बहुत सारे जीवन जीने को मिल जाते हैं, मतलब गेटअप के तौर पर भी और इन जनरल कैरेक्टर के तौर पर भी इतने सारे किरदार जी लेता है। तो मुझे नहीं लगता, जैसे एक आम आदमी, अभी कुछ मैं किसी फिल्म में काम कर रहा हूँ तो एक एयरफोर्स ऑफिसर का रोल है, या आप क्राइम पेट्रोल करते तो पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, और एक गरीब आदमी कहीं बन जाते हैं, कहीं अमीर आदमी बन जाते हैं। तो इतने सब उठा पटक जो है किसी आम इंसान के जीवन में आ जाए तो शायद पागल हो जाओ, फ्रेंकली, अगर वो इतने गरीब से इतना अमीर हो जाए तो एक बड़ी अच्छी बात है एक्टिंग प्रोफेशन। मतलब साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी डालता है एज ए पर्सन अपने पर? डालता है, बिल्कुल डालता है। मैंने खैर बहुत गहरे उतर के बहुत सारे किरदार तो नहीं किए, लेकिन कुछ एक किरदार, कुछ एक गरीबी वाला था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि वो मेरी शक्लो सूरत देखते हुए कि आप एक गरीब किरदार नहीं कर पाएंगे। तो वो जब मैं कर रहा था तो मेरे को सडनली मैं ऐसा महसूस करने लगा कि मैं किसी के घर जाया करता था, तो मैं यूजली बम्बई में सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं ज़मीन पर, लेकिन मैं सोफ़ा या ऐसा दीवान खाली होने पर भी ज़मीन पर ही बैठता था। तो लोगों ने ही मुझे पॉइंट आउट किया, तू जाके वहाँ क्यों बैठ जाता है, नीचे अभी खाली है ना, ऊपर बैठ। तो ऐसे छोटी छोटी आपको चीज़ें जो हैं फ़र्क करने लगती हैं। ओके ओके, हाँ मैंने एक ज़माने में काफ़ी कमर्शियल्स किए, मेरे को ध्यान है कि मैंने कमर्शियल्स में काफ़ी देखा आपको। मैंने 2008 से लेके 12-13 तक काफ़ी किए, मेरे उड़ान शो करा था उसमें दाढ़ी और पूरा गेटअप ही बदल लिया था, तो फिर कम उड़ गए। एज एन एक्टर राजीव जी, क्या फ़र्क पड़ जाता है जब आप कमर्शियल करते हैं, फिल्म करते हैं, या जैसे आज टीवी कर रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा असर अगर फाइनेंशियली देखें तो हर एक चीज़ों का फाइनेंस अलग अलग है, राइट। और हर आदमी जब इस माया नगरी में आता है, मुंबई शहर में, तो सपना तो फिल्म का ही लेकर आता है, लेकिन चूंकि शहर में आपको सस्टेन भी करना होता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो टीवी ने, टेलीविज़न नहीं, रोटी मक्खन और जब घी से लगी हुई चुपड़ी नान या रोटी को खिलाई, पराठा खिलाया, तो भी मुझे टेलीविज़न नहीं खिला। लेकिन बीच बीच में लब्बो लुबाब कमर्शल्स के होते रहे। कमर्शल का ये है कि जब तक कमर्शियल आता है टीवी पर, अगर वो टेस्ट मैच और वनडे और 2020 के बीच में आ रहा है तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। इन जनरल अगर उस दौरान नहीं आ रहा तो उतना पॉपुलर नहीं होता है, लोग भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। ये है कि टीवी के किरदार लोग याद रखते हैं उस वक्फे तक जब तक वो चल रहा है और उसके और 4-6 महीने तक। लेकिन सिनेमा का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि अगर आपने कुछ भी अच्छा काम कर लिया तो 10 साल बाद 15 साल बाद भी कोई मिलता तो बोलता अरे मैंने तेरे को उस फिल्म में देखा था, तू उसमें कितना यंग लग रहा था या उसमें कितना पतला था या उसमें बाल थे। तो ये बड़ा फर्क, अब हालांकि डिजिटलाइज हो गया सब कुछ तो शायद पुराने टीवी का भी काफी कुछ अब देखने को मिल जाता है, मिलता है अभी भी यूट्यूब पे भी, बट फिर भी सब कुछ अवेलेबल नहीं है, राइट। बट इस सिनेमा तो आपको 100% मिल ही जाएगा। जब हम अपने शहरों से चलते हैं, जैसे आप दिल्ली से, आपने बताया, तो जब एक्टर बनने की कोई सोचता है तो सबसे पहले शीशे के सामने जाके ये जरूर देखता है कि मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, कैसा दिखता हूँ, कैसा हीरो बनूँगा। और ये बहुत सारे लोगों के डाउट हैं कि मेरी शक्ल तो आमो शक्ल सूरत वाला हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आपके मन में इस टाइम क्या चलता था? मैं थोड़ा यंग ही था, शायद मैंने स्टार्स को देख के ऐसा सोचा कि मुझे भी एक्टर बनना है, बट समहाउ मैं कभी भी बचपन में उतना गुड लुकिंग कभी भी नहीं रहा। मैं एक मोटा सा बच्चा था और कभी भी ऐसा हीरो टाइप वाली इमेज भी कभी नहीं थी। और बाई चांस
टेंथ ट्वेल्थ के बाद मुझे रंगमंच की दिशा मिल गई थिएटर करने की, और फिर वही दिशा पकड़ के चला और थोड़ा हिंदी साहित्य भी पढ़ा कॉलेज में, और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में एडमिशन भी हो गया, फिर 97 पास आउट करके मैं मुंबई आ गया। तो एज सच मेरे अंदर ऐसा कभी नहीं था कि मैं शीशे के आगे खड़े होकर एकदम हैंडसम, मुझे लगता है, लेकिन वो बात भी होनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाने के लिए, पुश करने के लिए काम कर एक, हाँ, एक वो बारूद का पलीता जो है पीछे लगा होना चाहिए ऊपर लेके जाने के लिए रॉकेट को। वो शायद मेरे अंदर शुरू से मुझे था कि एक एक्टर बनना है, एक्टर, एक अच्छा एक्टर बनना है, वो भी शायद चीज़ होनी चाहिए, तो शायद आदमी और कहीं और किसी स्थिति में पहुंचे, पता नहीं। दोनों चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इससे मतलब हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर आप आम शक्लो सूरत के हैं तो भी टीवी और फिल्मों में काम है, बिल्कुल बेनतहा काम है। और मैं तो कहता हूँ कि आज का जो दौर चल रहा है, इनफैक्ट मैं कहूँगा जो पैरेलल सिनेमा था जो 80s में गोविंद नहलानी साहब और श्याम बेनेगल साहब और मनी कॉल वगैरह जितने डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी आम चेहरों को सिनेमा में लेकर आए थे, और ये दौर मेरे बम्बई आने के बाद मैंने उस दौर को बदलते हुए देखा है। चूँकि जब मैं नया नया आया था तो राम गोपाल वर्मा यहाँ बड़े अच्छे से एस्टैब्लिश हो रहे थे, तो उन्होंने वो सत्या फिल्म, मैं मानता हूँ सत्या, जंगल और शूल, ऐसी फिल्मों में एकदम चेंज करते करते आम लोगों को लेकर आए, और उनके साथ काम करने वाले आज अनुराग कश्यप और उनके और साथी कई अभिषेक चौबे, अब ये काफ़ी हद तक आम चेहरों को ही प्रस्तुत करते हैं अपने सिनेमा में, और वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा सिनेमा फाइनली अब बदल रहा है। अब वो मसाला फिल्में आप देख रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन किसी भी मसाला फिल्म का जिसमें मल्टी स्टारर और एक बहुत बड़ा स्टार और कुछ कहानी ना हो, उनके कलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, और एक आम साधारण सी कहानी जो एक बहुत अच्छी मेकिंग हो, साधारण से लोग हो, अभिनय अच्छा हो, नो डाउट, फिल्म अच्छी बनी हो, और उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा हो रहा है, ज्यादा अच्छा, बिल्कुल। और ये जो डिजिटल एरा आ गया है, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है मीडिया में, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप तो महसूस हो ही रहा होगा, देख ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि हर तरह का किरदार भी करने का मौका मिल रहा है, जो पहले इतने एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता था। तो ये जो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है डिजिटल से, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से एक्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है, मतलब आई थिंक टीवी से, हालांकि मैंने हमेशा बहुत ही पैसा कमाया और खाना, मेरा घर परिवार सब इसी से चला, लेकिन डिजिटल आने से जो टीवी में ये होने लगा था कि TRPs के चक्कर में हम कहानी को कहीं से भी कहीं दौड़ा रहे थे, और अगर मान लो कोई फाइनाइट सीरीज़ प्रोड्यूसर बोलता था कि हम ये फाइनाइट सीरीज़ बना रहे हैं, हम 6 महीने में ख़त्म कर देंगे कहानी, लेकिन उसकी TRP आने लगती थी, तो हम लगातार उसी कहानी को खींचे जा रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आने से, अगर उन्होंने कहा कि हम 10 एपिसोड ही दिखाएंगे एक सीज़न में, तो 10 एपिसोड बनते हैं, और उसके जमा टिका के बनाते हैं वो लोग, तो पूरा स्क्रिप्ट, हाँ, कंटेंट बहुत अच्छा बन रहा है, ओके, बहुत ही अच्छा, और उसमें शायद करने में भी बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मेरे को भी बहुत थोड़ा थोड़ा मौका मिल रहा है, लेकिन पूरा मैं जब जाता हूँ तो पूरा सेटअप में हर आदमी लगभग अपना काम जानता है, राइट, जो अब कई सारे शूटिंग्स में ऐसा होने लगा कि आधे लोग शायद अपना काम भी नहीं जानते, लेकिन फिल्म और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी प्रोफेशनलिज्म, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म। ओके, राजीव जी, जो नए एक्टर आना चाहते हैं, कलाकार आना चाहते हैं, तो कई बार उनको मालूम नहीं होता है कि मुंबई में एक्चुअली कैसे काम मिलता है, किन लोगों को काम मिलता है, किन लोगों को रिपीट काम मिलता है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? ये है, चूँकि ये महानगर है, अगर आप बाई चांस किसी और महानगर से नहीं आ रहे हैं, छोटे शहर से आ रहे हैं, तो हो सकता है शहर आपको अपने अंदर समो लेने की कोशिश करेगा, उसमें भी डरने की बात नहीं है, आपको अपना चित्त शांत रख के और एक मन को साध के रखना है कि मुझे इसी दिशा में जाना है, और भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस शहर में, बस आप एक सुर लगा के अपने ध्येय के पीछे लगे रहें, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये कि एकदम एकाग्र होकर उसी दिशा में जाना है और आगे बढ़ना है, ये हमेशा रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप नॉर्मल कदकाठी शक्ल सूरत के भी हैं, तो भी अच्छे से अपनी पर्सनलिटी को डेवलप करके आई, जो उन्होंने कहा कि अगर वो भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात यह है कि काम लगातार करिए, इस चक्कर में ना बैठे रहिए कि कभी मेन लीड मिलेगा, हीरो मिलेगा तो ही करूँगा। बींग ए प्रोफेशनल एक्टर, काम करते रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप किसी और दूसरे शहर से आ रहे हैं तो थोड़ी सी तैयारी करके आइए, थोड़ा सा होमवर्क करके आइए, क्योंकि जान के आने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप भटक सकते हैं। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर आके बहुत सारी भटकाने वाली चीज़ें मिलेंगी, मतलब जब आप घर से बाहर आते हैं तो एक आज़ादी होती है, उस आज़ादी में कई बार हम रास्ता भटक भी जाते हैं, तो कॉन्शियस रहिए, अपने जिस गोल पर काम करने के लिए आए हैं उसी के पीछे भागिए, तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए।
ऑल द वेरी बेस्ट। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हम करेंगे जॉइन फिल्म्स।